बीते दिनों एक महिला का शव उसके घर में मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस मामले में फिरोजाबाद पुलिस ने महिला के पति और पुत्र को गिरफ्तार कर सनसनीखेज घटना का खुलासा किया है। पूरा मामला शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला रमेश नगर बैंक कॉलोनी का है, जहां आशाराम अपनी पत्नी विनीत के साथ रहते थे, जहां पति ने 5 दिसंबर को अपने बेटे के साथ मिलकर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपी के बेटे ने अपने सौतेले भाई सहित पिता पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में थाना पुलिस ने आरोपी पिता आशाराम और बेटे सुमित को आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना के संदर्भ में सीओ शिकोहाबाद बलदेव सिंह ने जानकारी दी। देखिए, जैसा आपको मालूम है, दिनांक 5/12/2020 को ये बैंक कॉलोनी में एक घटना हुई थी, जिसमें एक महिला थी, उसकी विनीता, उसकी गोली मारकर हत्या हो गई थी। हत्या में विनीता के जो बेटा है, उसने आशाराम जो विनीता का पति था और उसका पुत्र सुमित, इनके खिलाफ नामजद मुकदमा कायम कराया था कि इनके द्वारा इनकी हत्या की गई है, जिसमें थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 759/20 धारा 302-307 कायम किया गया था और अभियुक्तगण तभी से फरार चल रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और हमारे अपर पुलिस अधीक्षक ये निर्देश दिए गए थे कि अभियुक्तों की शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। इसके लिए थाने पर 2 टीमों का गठन किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सघन प्रयास किए जा रहे थे और साथ ही साथ इनके विरुद्ध जो है साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा था। दिनांक 18 तारीख की रात में 21:30 बजे इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ और साक्ष्य संकलन के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके विरुद्ध ठोस साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और आज साक्ष्यों के आधार पर इनको जेल भेजा जा रहा है। जो तमंचा उसमें प्रयुक्त हुआ था, वो तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है, उसके लिए अलग से एक मुकदमा कायम किया गया है, दफा 25 का 798/20, और आज इनको साक्ष्यों के आधार पर, ठोस साक्ष्यों के आधार पर जेल भेजा जा रहा है।